अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बयान देते हुए कहा कि करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का $20 का खर्चा पंजाब सरकार को करना चाहिए। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने तीर्थ यात्राओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया था, अब ये खर्च पंजाब सरकार को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुखबीर बादल ने एक बार फिर कैप्टन अरविंदर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का नाम कोई चीज नहीं है। दाखा विधानसभा हलका में पार्टी की जीत के बाद सुखबीर बादल ने सभी हलकों के वोटरों का धन्यवाद किया और कहा कि कैप्टन अरविंदर सिंह ने पूरी सरकारी मशीनरी लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी दाखा हलका में सफल रही। इस अवसर पर हरसिमरत कौर बादल ने गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पर्व पर केंद्र सरकार के लिए जा रहे कार्यों का केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि एयर इंडिया के जहाज पर एम ओम कार का चिन्ह लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा से हो रहा है। मैं तो पंजाब सरकार को आई बेनती करना चाहना, जिवें मुख्यमंत्री बादल साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की थी, असी तकरीबन 100-200 करोड़ रुपया ला के अपने संगतान को अपने धर्म जिथे जिथे आस्था है उत्थे जान दा सारा खर्चा चलते सी। हुण जिहड़े $20 लाई है पाकिस्तान ने करतारपुर साहब दे जाण वाले उत्थे जाण वास्ते फीस लई है, पंजाब सरकार नूं जिवें बादल साहब तीर्थ यात्रा प्रोग्राम रख्या सी उवें पंजाब सरकार नूं करना चाहिए। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट।